नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन इन सरस्वती हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे टूथ डिके के बारे में, यानी दांतों की सड़न। दांतों की सड़न कैसे होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसको होने से कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या इलाज उपलब्ध है। दांतों की सड़न हमारे मुंह में बैक्टीरिया जब हमारे खाए गए खाने के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करता है, ये एसिड हमारे दांतों के ऊपरी लेयर यानी इनामिल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है, उस पर पहले अटैक करता है। धीरे धीरे ये पेनिट्रेट होके सेकेंड लेयर यानी डेंटीन, जो कंपैरेटिवली सॉफ्ट लेयर होती है, उसमें पेनिट्रेट करता है और धीरे धीरे ये दांतों के बीच में जहाँ पे नसें मौजूद है वहाँ से दांतों के जड़ों तक पहुँच जाता है। इसके क्या क्या इलाज उपलब्ध हैं, इसे अगर ये सड़न हमारे दांतों की दो लेयर तक ही पहुँचा, यानी फर्स्ट और सेकेंड लेयर तक, तो इसमें फिलिंग और क्राउन से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर यही सड़न आपके दांतों के बीचों बीच नसों तक पहुँच गया है तो इसमें रूट केनाल ट्रीटमेंट यानी नसों का इलाज किया जा सकता है। नसों का इलाज थोड़ा सा इन्वेजिव ट्रीटमेंट है कम्पेयर टू फिलिंग एंड क्राउन। इसका कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है, रोज़ ब्रश करें सुबह शाम, रात को सोने से पहले खास ब्रश करें, कुछ भी खाएं उसके बाद दिन में 4 से 5 बार कुल्ला या रिंसेस करें, जिससे जो भी आपके मुंह में खाना है वो फंसा नहीं रहे। खाना नहीं होगा तो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा उसके साथ मिलके और सड़न नहीं होगी। इसके क्या क्या लक्षण हैं आप इसे पहचान सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है वाइट फ्लेकी स्पॉट से, धीरे धीरे ये ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट होता है। इसमें आप महसूस कर सकते हैं झंझनाहट, कुछ भी ठंडा गर्म या मीठा खाने से दांतों में दर्द हो सकता है या दांत में खाना फंस सकता है। इसमें से कोई भी अगर लक्षण आप महसूस करते हैं तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को ज़रूर संपर्क करें और जाँच कराएँ। धन्यवाद।